Hey guys, what's up? कैसे यार आप सब अच्छे हो रहे हैं? इधर है हमारे साथ आज भाई, बताइए भाई। शोल्डर वर्कआउट एकदम हैवी ट्रेनिंग बलदीप भैया के साथ। तो भाई कह रहे थे कि भाई वर्कआउट करना हैवी वर्कआउट करना है कि मजा आ जाए। तो दो चार दिन से बन नहीं पा रही थी वीडियो, तो भाई कह रहे कि आज साथ में कर लेंगे। वैसे मेरा वर्कआउट कुछ और था, बट भाई ने कहा कि भाई साथ में कर लो शोल्डर वर्कआउट, तो बढ़िया से ट्रेनिंग करेंगे। कुछ आप लोग देख के उसमें न्यू सीखोगे, भाई भी कुछ न्यू सीखेंगे। चलो देखते हैं जो भी होगा आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल एकदम बढ़िया, पूरी हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग के साथ बोले भी हार्ड कराओगे पक्का पक्का। चलो स्टार्ट करते No limit, do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it, but that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning, and the more you push it, the faster start dreaming till you're the only one standing on free with no. It's time to stand up, खाली वार्म अप ही चल रहा है। वर्किंग सेट जब हैवी वेट होगा तब स्टार्ट हो जाएगा। खाली रोड से वार्म अप हो गया, अभी हमें 10-12 से वार्म अप हो गया, अब 15 से हमारे मेन सेट स्टार्ट होंगे। चलो लिलास सेट का हैवी बैलेंस खींच के रिलैक्स पावर ऑन दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 हल्की सी हेल्प होती है पीछे तक, पुश करना है, फोर्स करना है कि कर सकता है तो कर सकता है। हो गया, मजा आ गया इसी में, बढ़िया ठीक है। हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मतलब मेरा लास्ट सेट है, इसको करते हैं कंप्लीट। अब सेकंड एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। सेकंड एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं डंबल साइड रेस। इसमें हमारे को भैया ने बताया कि दो होल्ड करके करने हैं दो सेट और दो नॉर्मल करने हैं, और इसके बाद देखते हैं कैसा है, इसमें पंप आता है, क्या फील होता है हमारे को। ठीक है, दो करेंगे होल्ड वाले और दो करेंगे, पहले दो नॉर्मल ले लेंगे, फिर लेंगे तो स्टैटिक होल्ड वाले। अब आप देखो किस तरीके से होगा और आप भी ट्राई करना, ना मजा आ जाए तो बताना। अभी भाई ने भी करानी है, करेंगे तब पूछेंगे, ट्राई कर रहे हैं। पर जो पहले दो सेट करने, इसके 16-16 रेपिटेशन करने, ठीक है 16 का, पर दोबारा से इसी को करेंगे, फिर वो लेंगे मेन सेट्स इससे, ठीक है। ढाई ढाई हैवी लेते हैं अभी करके देखें तो पता लगेगा, ये दिखने में छोटा है डंबल है तो ये काम बहुत बड़ा करेगा। इसको करो होल्ड, अब लगाओ 5, 1, 2, 3, 4, 5 अभी तक होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगे रहोगे, 3, 4, 5 होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5 दोनों से करो। चलो 20 सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अभी एक और बचा है, सेम ऐसे ही करना है तो ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। अब जिसके बाद वाली जो एक्सरसाइज होगी वो दिखाते हैं आपको। भैया हमारे को बताने जा रहे हैं फेस पुली, जिसमें हमने इसको ट्रेन कर लिया है, इसको ट्रेन कर लिया, और बाकी भैया हमारे को बता रहे हैं किस तरीके से। अब हम इसको ट्रेन करेंगे रियर को, पहले हमने फ्रंट को कर लिया, मिडल को कर लिया, और रियर को, ठीक है। फेस पुली रखते हैं इस तरीके से अपना, पीछे से दिखाओ, इसके अंदर ये प्रॉपर हमारा मसल अच्छे से इसमें ट्रेंड होगा,
ये पूरा हमारा रियल डाइट से इसमें अच्छे से ट्रेन करेंगे, हल्का सा होल्ड कर लो, हाँ हल्का सा होल्ड पर आ जाएगा मतलब, हाँ फिर पूरा ही मसल को बढ़िया टारगेट करेंगे मेरे हाल में, चलो लगाओ अभी और रेपिटेशन लगा, एक दो अच्छे से ट्रेन कर लो, तीन चार पाँच छः चार चार तीन दो और ये एक और बढ़िया, ऐसे इसके चार सेट्स रख लो, या आप रियर डंबल फ्लाई वगैरह लेते हो तो वो भी रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी है, और जो पैड डेक फ्लाई मशीन होती है उस पर भी बैठ के कर सकते हो, बट मुझे तो ये बेस्ट लगती है डंबल से लगते हैं, तो मैं तो यही रखता हूँ आपके ऊपर है, आपको कैसी लगती करने बढ़िया एकदम दर्द लग गया पूरे शोल्डर में पेन हो रहा है, उसका दूसरा सेट लगाया था, दूसरे सेट में उठाया नहीं गया मैं उसके अंदर मसल पेन हो गया, मज़ा आ रहा था उसके अंदर। और मेरे फ्रंट रेस कुछ लोग क्या करते हैं हल्का वेट उठाएंगे एक दो सेट उसी में वेस्ट कर देंगे, बट मार को अपने सारे सेट्स को अपने फर्स्ट को प्रायोरिटी समझ के करना है कि सारे हैवी ही करने हैं, तो पहला सेट भी हैवी और वर्कआउट है इधर रखेंगे अपराइट रहेंगे, ठीक है आप भी रखिए काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज है, भाई भी करेंगे साथ में, मैं भी करूँगा इसको, और जैसे आप देख सकते हो 10-10 हमने भी डाल ही दिया, उसी से देंगे हर एक्सरसाइज हमारे को 12-16 रैप निकाल लें, चार सेट सबके चार सेट और 10 से ऊपर रेपिटेशन ही रखना है अपना, ये नहीं 5-6 रेपिटेशन 8 रेपिटेशन नहीं, कम से कम 10 से ऊपर रखेंगे, चलो कौन करो भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, चलो पावर ऑन दो, एक दो तीन चार पाँच छः करोड़ पर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 लास्ट, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा लेंगे, जब हमारे 16 रेपिटेशन आ गए तो हम वेट को बढ़ा सकते हैं, चलो जी अब इनका हैवी लास्ट सेट है तो हैवी होने वाला या फिर छः, चलो बनाओ, एक दो तीन चार पाँच दो बढ़िया छः आन दो 7, 8 दो निकाल दो और 9 एक और 10 अरे बनाओ इससे लगाओ, चलो उठाओ उठा उठा बिना टाइम वेस्ट किया, चलो जाओ ऊपर, एक दो पूरा ऊपर आन दो 3 आन दो ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, 9 आन दो आन दो 10 चार निकाल दो, चलो 4, 3, 2 लास्ट 1 बड़े खींच के फ्लैक्स करो पूरा अच्छे रखो पूरा बाहर निकालो, चलो हाँ होल्ड करो उसको, होल्ड इतना होल्ड करोगे इतना मसल फाइबर से एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ मूड बढ़िया, ठीक है अब इसके बाद अभी लास्ट एक्सरसाइज आपको दिखा देते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी शर्ट्स, इसको ट्रेन करेंगे बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर, अब हम थोड़ा सा इसको भी ट्रेन कर लेते हैं ट्रांस मसल को, इसको बढ़िया से ट्रेन हमने कर ही लिया, देखो बाकी अच्छे से पंप हो जो मैं शोल्डर चेक कर सकते हो, आया पंप देखिए आया बिल्कुल अभी सेट होने वाला, चलो खींच के आन दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ले लो 10 आन दो 4, 3, 2 एक और बढ़िया, और मैं भी अपना लास्ट हैवी सेट ले लेता हूँ, मैं 10 के टारगेट अच्छे से डालू, अब मेरा है लास्ट सेट 120 का, ठीक है ले भाई चलो यार फोन कर रहा है बढ़िया से बढ़िया एकदम,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एक सौ बीस से बारह कंप्लीट हो चुका है बढ़िया से वर्कआउट फिनिश हुआ है हमारा एकदम बढ़िया बम आया बच्चों के साथ वर्कआउट करके ऐसा वर्कआउट अभी तक किया नहीं है तो आज करके जो मज़ा आया है एकदम बढ़िया लगा बस यही होता है यार कि किसी के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो बस खींच के ट्रेनिंग करते हैं बेशक कोई भी हो अब ज़्यादा भाई ने मुझे बोल दिया 12 रैप करने हैं तो करनी है ये नहीं है कि भाई मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं ऐसा कुछ नहीं होता जो भी आपको अगर कोई बोल रहा है पीछे देखिए हाँ वही करना है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि हाँ ये कोड कर सकता है तो अभी माइंड में आ जाता है कि हाँ बोल दिया और करना है बस हमने देखा जो स्टैटिक होल्ड वाला है उसमें अपना सेट करा था हमने साइड रेस के अंदर ये काफ़ी इफेक्टिव होगा आप लोगों के तो किसी किसी के अंदर आप ड्रॉप सेट ऐड कर सकते हो किसी ट्रेन में सुपर सेट ऐड कर सकते हो सीक्वेंस से चला सकते हो जैसे हमने पहले इसको ट्रेन करा अपने देखा फिर इसको करा फिर गियर को ट्रेन करा फिर वापस हमने फ्रंट को ट्रेन करा तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग करो पाँच या छः ट्रेनिंग अपने रखो और अगर आपका दिल है जैसे हमने पाँच ट्रेनिंग करी है अगर आपका दिल है तो छः ट्रेनिंग इसके अंदर रियर की एक और ऐड कर सकते हो रियर का एक फ्लाई भी जो करते हैं वो ऐड कर सकते हो तो छः ट्रेनिंग बहुत है डंबल ले सकते हो डंबल पैस ले सकते हो मिलिट्री में जो अल्टरनेट हम चलाते हैं वो ले सकते हो बाकी भी डाइट के लिए बता दें उसमें हाँ डाइट काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या डाइट होनी चाहिए मसल गेन डाइट में आप तो जैसे मसल गेन करना चाहते हैं मैं भी मसल गेन डाइट ही कर रहा हूँ तो उसके अंदर हमारे को हाई प्रोटीन डाइट रखनी है जितना हो सके हाई प्रोटीन डाइट फाइबर डाइट रखें अपना काफ्स अच्छे काफ्स रखें सबका अलग अलग हमें गुड फैट्स भी हमारे को रखने इसके अंदर जैसे सुबह उठे अपना ओट्स ले लो साथ में अंडे ले लो अपने चार पाँच अंडे ले लिए और अपने मसाला ओट्स ले लिए ठीक है बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है कोई दिक्कत नहीं है पहली मील अपनी ये ले लो उसके बाद जो हमारी ब्रंच मील होती है 11-12 दिन हमारे को स्नैक्स चाहिए हमारी ब्रंच मील होगी ठीक है इसके अंदर क्या रखना है अपना एक या दो ब्राउन ब्रेड पीनट बटर रख लो और साथ में रख लो डेढ़ गिलास बनाना चाहिए एक गिलास दो गिलास अब बिगिनर है तो वो एक गिलास पिएगा अब जैसे हम मैं ये भाई डेढ़ गिलास दो गिलास पी सकते हैं तो अपना डेढ़ दो गिलास बनाना चाहिए रख लो उसमें बादाम बादाम डाल दिए और दो ब्राउन ब्रेड पीनट बटर रख लिए ठीक है फिर बारी आती है हमारी लंच मील की लंच मील के अंदर हमारे को अच्छी डाइट चाहिए ब्राउन राइस रख लो या वाइट राइस रख लो या रोटी रख लो तीनों बढ़िया चीज़ें हैं कुछ रख लो बढ़िया उसमें हमारे को काफ मिल जाए उसके अलावा जो वेजिटेरियन और दाल वगैरह रख सकते हो अपना राजमा रख सकते हो छोले रख सकते हो और जो हमारे नॉन वेजिटेरियन भाई है वो अपना चिकन रखें आप जैसे चिकन रखो अपना या मीट रख लो और साथ में थोड़ा बहुत अपना सैलेड रख लो फिर हमारी बारी आती है इवनिंग स्नैक्स अपना 2:30-3 बजे आपने लंच ले लिया फिर इवनिंग स्नैक्स की बारी आती है इवनिंग स्नैक्स में क्या चाहिए इवनिंग स्नैक्स में अगर और आपको अच्छा खासा गेन करना है अपना बनाना शेक भी कर नहीं है तो अपने स्प्राउट्स रख लो हरे मूंग काले चने रात को भिगो के रख लो उसमें पनीर काट के डाल दो सब चीज़ें आप अच्छे से सुनो ये जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा सारी चीज़ें इंक्लूड होगी आपकी प्रोटीन भी फाइबर भी फैट भी हर चीज़ इंक्लूड सब कुछ इस डाइट में सब कुछ इंक्लूड होगा सब कुछ नेचुरल है कुछ नहीं है कुछ और नहीं इसके अंदर ठीक है अपना ये रख लिया इसके बाद अपना आएगा हमारी प्री वर्कआउट में जब आप इसको 4-5 बजे ले लोगे 7 बजे से 8 बजे आप वर्कआउट करने आते हैं 7 बजे जब भी करने आते हैं अपना आधा पौना घंटे पहले आलू दही खा लो साथ में 1 या 2 केले खा लो वर्कआउट जाने का जिसको वे प्रोटीन देखा वो वे प्रोटीन दे जिसको जाकर अंडे खाने वो अंडे खाए अपना 4-5 अंडे खा ले अपना बेस प्रोटीन मिले रात को अपना डिनर के अंदर वही राइस वगैरह रख ले अपना चिकन वगैरह रख लो और साथ में सैलेड अपना लंच में ही सैलेड ऐड कर लेना साथ में एक कटोरी दही ऐड कर लेना रात को खाली सैलेड बोलते हैं और साथ में चिकन चावल हो गए आपके ठीक है जो वेजिटेरियन हो दाल चावल रखो और रात को सोने से पहले 1 गिलास अपना वॉम मिल्क पी लेना और सही लगे जैसे भैया ने बोले जिसके बाद तो 1000 जैसे कि आपने बोला कि एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक जिसके बाद ना हो वो एग वगैरह भी खा सकता है वही उसका वही चीज़ में काम करेगा हाँ और जब नहीं एग खाते हैं वो पनीर भी खा सकते हैं तो हर एक चीज़ का मतलब वो सोल्यूशन होता है बट पता होना चाहिए ये वीडियो वगैरह कम्प्लीट आया मज़ा बिल्कुल एकदम बढ़िया चलो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो भाई का सपोर्ट करो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है और आपको मेरा चैनल तो पता है मिलते हैं और अगर आपको जिम में आना है तो जिम की लोकेशन भी डाल देंगे भाई कभी आना हो साथ में हमारे वर्कआउट करना हो कुछ ही करना हो लोकेशन भाई जिम की भी डाल देंगे ओके गाइस।